अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं गुलाम मोइनुद्दीन अजहरी। मेरा तारुफ यह है कि मैं हजरत सैलानी बाबा के परदादा पीर सूफी वजीर मोहम्मद नक्शबंदी के पोते मोहम्मद इब्राहिम सूफी का नवासा बोल रहा हूँ। मैं आज हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन इस्लामी स्कॉलर पीर डॉक्टर हुसैनी मियां साहब से एक सवाल कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है हजरत, शिया हजरत भी मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करते हैं और आप भी मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करते हैं, आपके जिक्र में और उनके जिक्र में फर्क क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार हूं और खुदा मुझे शुक्रगुजार बंदों में शामिल रखे कि मुझसे सवाल किया गया और मुझे जवाब देने वाला समझा गया। इस मामले में सीधा साधा ईमान अफरोज जवाब यह है कि और दूसरे हजरात जो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा का जिक्र करते हैं तो उनका जिक्र उस वक्त तक पूरा नहीं होता जब तक वो साहबा इकराम की तौहीन न कर ले, साहबा इकराम पर तबर्रा न कर ले, तब तक उनका जिक्र पूरा नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब भी मौला अली मुश्किल कुशा का जिक्र करते हैं तो साहबा इकराम की अजमत, उनकी रिफत, उनकी शान और उनकी बुजुर्गी का पूरा पूरा लिहाज करते हुए मौला अली का जिक्र करते हैं। और हम दुआ भी यही करते हैं कि हर वो शख्स जो मौला कायनात अली शेर खुदा का जिक्र करे वो साहबा इकराम की अजमत का लिहाज करे, साहबा इकराम की बुजुर्गी का भी लिहाज करे और साहबा इकराम की बेअदबी से बचता रहे, इसलिए कि साहबा इकराम की बेअदबी ईमान को कहीं तबाह न कर दे। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और मेरे साथ बाकी तमाम लोगों को नेक रास्ते पर ही चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।